सुप्रभात। आज हम गृह विज्ञान विषय में कक्षा 11वीं के पोषण और स्वास्थ्य पढ़े, भोजन एवं पोषण पढ़ेंगे। पिछले हमने क्वेश्चन में भी क्या बताए थे कि भोजन हमारे लिए आवश्यक है, शरीर के लिए क्या क्या आवश्यक है या कैसा भोजन हमको करना चाहिए, कुपोषण हो जाता है नहीं तो बच्चों, है ना। भोजन से हमें ताकत मिलती, शरीर एक इंजन के समान होता है हमारा शरीर, कि हमको जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल चाहिए चलाने के लिए, वैसे ही हमें दिन भर शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता और अच्छे पोषण की आवश्यकता होती है। अब हम बच्चों देखेंगे आज की क्वेश्चन आंसर प्रश्नों का अभ्यास कि भोजन में कुपोषण क्या है, अपूर्ण भोजन से क्या होता है, संतुलित आहार क्या है, ये सब चीजों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। प्रश्न है भोजन की आवश्यकता बताइए और भोजन के कार्य लिखिए। क्या है प्रश्न? भोजन की आवश्यकता और भोजन के कार्य। तो भोजन की आवश्यकता कैसे होती है? जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, जैसा कि मैंने बताया, पाठ के अनुसार बताया, आप लोगों को पढ़ाया मैंने कि भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस तरह मोटरसाइकिल को पेट्रोल की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे शरीर को भी चलाने के लिए भोजन की, मिनरल्स की, विटामिन्स की, सारी चीजों की जरूरत आवश्यकता पड़ती है। और वो ये शरीर हमारा एक इंजन के समान है, जैसे शरीर के विभिन्न अंग होते हैं क्रियाशील, सदैव क्रियाशील रहते हैं, चाहे हम कार्य करें या ना करें, चाहे सोते रहें, चाहे आराम से रहें, चाहे आराम करते हुए रहें, तो भी हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब देखेंगे बच्चों हम भोजन के क्या क्या कार्य हैं। शरीर के कोशिकाओं और तंतुओं का निर्माण करता है भोजन। क्या करते हैं? हमारे शरीर के कोशिकाओं, कोशिकाओं और तंतुओं का पुनः निर्माण भी भोजन ही करता है। शरीर के तापमान को एक साथ बनाए रखता है। अगर भोजन कम खाया जाए तो कभी कभी किसी किसी का लो बीपी भी हो जाता है, एनीमिया भी हो जाता है, चक्कर आता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ, तो शरीर का तापमान, जैसे बुखार भी आ सकता है, तो इससे हमारा क्या होता है, भोजन से शरीर के तापमान को भी, भोजन हमारे शरीर का तापमान एक सा बनाए रखता है। शरीर में रोग निरोधक शक्ति भी उत्पन्न करता है भोजन। भोजन से ही हमारे शरीर को ऊर्जा ताकत मिलती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फिर भोजन शरीर की अभिवृद्धि के लिए भी आवश्यक है और यह तत्वों भी प्रदान करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब ऊर्जा के लिए हमें लगता है, प्रोटीन है ना शरीर बनाने के लिए। फिर शरीर के सक्रिय बनाए रखने के लिए हेतु जैविक ऊर्जा का भी निर्माण भोजन करता है। शरीर में सक्रिय बनाए रखने हमको एनर्जी के लिए, जैसे हमें दौड़ने जाना, चलने जाना, काम करने जाना है, हमको सुबह जल्दी उठना है, सब चीज में भी हमारे सहायक होता क्या, भोजन। अगर हम नहीं करेंगे तो हमसे फिर और शांत, जैसे एकदम आलस आलस आएगा भोजन ना, शरीर में कमी हो जाएगी। शरीर के अंगों को भोजन ही स्वस्थ रखता है। अगर हम अच्छा भोजन करेंगे तो भी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और एक्सरसाइज भी करते हैं साथ में, तो है ना, तो शरीर को चलाने एक्सरसाइज के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे शरीर में भोजन करने से अंगों की स्वस्थता और सुरक्षा भी बनी रहती है। अब पढ़ेंगे हम संतुलित आहार की परिभाषा। लिखिए संतुलित आहार क्या है। हमें संतुलित आहार के बारे में जानना है, तो लिखा है कि संतुलित आहार वह खाद्य पदार्थ जिसमें आवश्यक तत्वों का, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, ये सभी सारे तत्व अवयव सम्मिलित हो और उसमें उचित मात्रा में उपस्थित हो, वह संतुलित आहार कहलाता है। हमारे भारत में अधिकांश जनता उसकी मांग के अनुसार भोजन नहीं मिल पाता है। हमारे भारत
हमारा भारत एक विकासशील देश है तो भारत में अधिकांश जनता को उसकी मांग के अनुसार भोजन नहीं मिल पाता। गरीब देश है हमारा भारत तो उनकी मांग के अनुसार भोजन मिलना जरूरी है। भोजन की मांग प्रत्येक किसी शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा होती है, यानी जिस किसका शरीर हाइट में ऊंचा है, लंबा है, मोटा है, तगड़ा है, उसको उसके अनुसार भोजन की आवश्यकता शरीर में होती है। व्यक्ति के संतुलित भोजन प्राप्त करने के लिए आहार आयोजन करना चाहिए। हमें इसके लिए सभी चीज का भोजन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस भोजन से अच्छा भोजन हम कर रहे हैं तो उससे हमें क्या मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, खनिज लवण मिल रहे हैं कि नहीं, हमारे शरीर को प्रोटीन मिल रहा कि नहीं, ये सब चीजों का आयोजन का आहार आयोजन करना चाहिए। आगे देखेंगे कि कुपोषण के कारण बताएं। कुपोषण के कारण हमारे भारत में गरीबी है इसलिए हमारे अंदर बहुत सारे बच्चे कुपोषित रह जाते हैं। अब भोजन के कारण है अस्वस्थता प्रदान करना, अपर्याप्त हवा, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलना, अत्यधिक भीड़ वाले वातावरण में भी होता है ही। और इस ये पोषण में बाधा उत्पन्न करती। फिर अत्यधिक कार्य, जो भोजन एक दिन में औसत कार्य के लिए पर्याप्त होता है वही अधिक अधिक कार्य करने की दशा में अपर्याप्त हो सकता है। फिर निद्रा की कमी भी होना कुपोषण का कारण है ना, कि नींद कम आना, जैसे सोने की व्यवस्था उचित ना हो या स्वच्छ हवा ना आ रही हो, है ना, या बहुत अधिक भीड़ हो, हल्ला हो, शोर शराबा हो तो नींद की कमी हो जाती, इससे भी कुपोषणता का उत्पन्न होता है। फिर अस्वस्थता, लंबी बीमारी से शरीर में कमजोरी आ जाती है, ऐसी अवस्था में व्यक्ति संतुलित भोजन भी नहीं पचा पाता है। जैसे वृद्ध लोग होते हैं कि वो लोग लंबी बीमारी के कारण अपना भोज पदार्थ को नहीं पचाने की शक्ति होती है उनमें, तो वो बीमार पड़ते रहते हैं बार बार, है ना, तो ऐसे ही भोजन भी पचा नहीं सकते, अस्वस्थ रहते हैं क्योंकि वो। अब है अपूर्ण भोजन से पोषण के कारण लिखिए। अपूर्ण भोजन के होने से पोषण के कारण निम्नलिखित हैं, जैसे कि अपर्याप्त भोजन। अपर्याप्त भोजन से जैसे अच्छे पौष्टिक भोजन का अभाव होना, निर्धनता, गरीबी, अज्ञानता, पढ़े लिखे, अज्ञानता में पढ़े लिखे ना होना, है ना, पढ़े लिखे, क्योंकि पढ़े लिखे हम रहेंगे तो हमको विटामिन के बारे में जानकारी होगी, विटामिन के बारे में जानकारी होगी, है ना, हम पढ़े लिखे रहेंगे तो विटामिन या हमारे शरीर को क्या आवश्यकता है उसके बारे में हमको जानकारी रहेगी, है ना। तो फिर क्या बताया कि अनुपयुक्त भोजन, वृद्ध रोगी को गरिष्ठ भोजन या तला हुआ भोजन अनुपयुक्त होता है। अनियमित भोजन, यदि समय पर भोजन नहीं किया जाए करते हैं हम तो शरीर में बाधा होती है। भोजन सदैव नियमित समय पर ही करना चाहिए। अपूर्ण भोजन से बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे मनुष्य की उम्र के अनुसार ऊंचा ना होना या उसका शारीरिक विकास ना होना, है ना, लंबाई या ऊंचाई ना होना, लंबाई या ऊंचाई ना होना, इससे शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता, देखने में अस्वस्थ लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियां हो जाती हैं और पीलापन आ जाता है। अपूर्ण भोजन से ये कारण उत्पन्न होते हैं। बच्चों आपको ये सारे प्रश्न लिखने हैं कॉपी में और अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। आगे 6 मई एग्जाम आने वाला है जिसके लिए आपको क्वेश्चनों की तैयारी करनी है और याद करनी है।